दोस्तों आप जब भी किसी से कोई चेक लेते हैं तो चेक लेते इसलिए है क्योंकि आपको उससे कोई पेमेंट लेनी थी, कोई ना कोई लीगल लायबिलिटी बनती है जिसकी वजह से उसे पेमेंट आपकी देनी है, पर वो पेमेंट आपकी टाइम से नहीं दे पा रहा है तो उसने एक चेक आपको दे दिया। तो चेक जैसे ही आपके पास आया, चेक आप जाकर डालते हैं बैंक में, और बैंक में डालते ही आपको पता चलता है कि वो बाउंस हो गया, और बाउंस होने के बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम सामने खड़ी होती हैं, और कई बार तो आपका वो चेक किसी काम का रहता भी नहीं है। कई बार जब आप कोर्ट में केस डालते हैं तो कोर्ट भी उस केस को एडमिट नहीं करता है, आपके केस को डिसमिस मार देता है। क्या क्या गलतियां आपको बिल्कुल नहीं करनी है अगर आप किससे चेक लेते हैं, और अगर ये सावधानियां आप बरतेंगे अपने केस में, आपको आपका पैसा डबल भी मिलेगा, सामने वाले को सजा भी होगी, और हो सकता है कोर्ट तक आपको जाना ही ना पड़े, उससे पहले ही आपका पैसा आपको वापस मिल जाए। आप जब भी किसी से भी कोई भी चेक आप लेते हैं तो चेक को पूरा आपको उसी की हैंडराइटिंग से भरवाना है, मतलब कि उसमें वर्ड्स में जो लिखा जाता है अमाउंट वो भी वो खुद लिखे, जो नंबर्स में लिखा जाएगा जो अमाउंट वो भी वो खुद लिखे, आपका नाम भी वो खुद लिखे, साइन वो खुद करेगा, और पीछे साथ में एक और साइन करवा ले, उसका फोन नंबर भी आप डलवा ले। अगर आप ये सब चीजें उसी से करवाते हैं तो कल वो कोर्ट में खड़ा होकर ये नहीं बोल पाएगा कि मुझे इसे अमाउंट कोई और देना था और इसने अमाउंट कोई और भर दिया, या फिर मैंने चेक पर साइन किया है बाकी सब मैंने नहीं भरा। ऐसी कई सारी बातें अक्सर देखने को मिलती है, तो आप बच जाएंगे, आपका पैसा आपको वापस मिल जाएगा। जब भी आप किसी से कोई भी चेक लेते हैं तो चेक जो ले रहे हैं लीगल लायबिलिटी का वो चेक होता है, क्यों वो लीगल लायबल है आपकी पेमेंट वापस करने के लिए, वो सब चीजें आप चेक के पीछे लिखवा लीजिए कि वो चेक आपको क्यों दे रहा है। आप मत लिखिए, वो लिखवाइए उसी से कि वो चेक आपको क्यों दे रहा है, कितने अमाउंट का चेक दे रहा है, किस डेट को चेक दे रहा है, उस पर वो थोड़ा सा लिख देगा, तो ये भी आपके लिए एक एविडेंस का काम करेगा। कल अगर चेक बाउंस हो जाता है नोटिस भेजने के बाद में, जैसे ही कोर्ट में केस जाएगा, हालांकि कोर्ट तक केस जाएगा नहीं, उससे पहले आपका पैसा आपको वापस मिल जाएगा, क्योंकि आपका केस बहुत ज़्यादा मजबूत होगा। ये सब सावधानियाँ आप बरतेंगे तो कोर्ट की आपको चक्कर नहीं काटने पड़ेगी।